हाय फ्रेंड्स, आज की देखी जो वीडियो आप लोग बहुत दिन से जिसका इंतजार कर रहे थे, रिपोर्टिंग का या नए प्लांट को हमें कैसे लगाना है, तो उसकी आज की जो हमारी वीडियो आज मैं आपको देखिए, ये हमारा मीडिया है सामने, कोकोपीट और आपका ये राइस हस्क। ठीक है, पूरा ये प्लांट लगा के दिखाऊंगा आपको, वीडियो पूरी देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ राइस हस्क जो है। ठीक है, ये नॉर्मल राइस हस्क है, थोड़ा महीन वाला है। ठीक है, ये आपने इतना ले लिया। ठीक है, ये में लगभग आधे आधा है ही जो है। और ये देखिए कोकोपीट है। ठीक है, ये भी नॉर्मल मिल जाता है। अब दोस्तों मैं एक हाथ से जो है इसको कैमरे को ऑपरेट कर रहा हूँ और एक हाथ से कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको अच्छे से हो सकता ना दिख पा रहा हो जो है, तो थोड़ी आपसे माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं। अब आपको देखिए इस तरीके से मिला लेना है इनको। ठीक है, 50-50% था ये लगभग जो है। अच्छे से आपको मिलाना है, देखिए जिससे मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वैसे मैं अगर दोनों हाथ से अगर इसको मिला रहा होता तो ये आराम से वो हो जाता, लेकिन ऐसे में हो नहीं रहा तो मैंने इसका सहारा लिया, वरना मुझे ना थोड़ा हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद है। बहुत दोस्तों सरल तरीका है और जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके पास देखिए कोकोपीट नहीं है तो आप इतना ही जो है 50% ही जो गोबर की खाद भी ले सकते हो, काफ़ी 2 साल के करीब पुरानी होनी चाहिए, 1.5 साल होगी दोस्तों तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या है बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से जो ये देखिए अच्छे से दोस्तों मिलाना है इसको थोड़ी देर जो है। ठीक है, आपको एकदम लग सकता है कि ये मिल गया लेकिन मिलता नहीं है ऐसे जो है, तो थोड़ा आपको अच्छे से इस तरीके से जो है ये देखिए अभी अच्छे से देखिए मिल गया। बहुत दोस्तों आसान तरीका है, पर फिर भी जो अगर दिखा दो एक बार जो, तो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है जो है, और कई लोगों को शायद से प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे मैंने बताया हुआ है कि मैं मीडिया कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि जो आप एक बार फिर भी हमें लगा के जो दिखा दो। ठीक है, क्योंकि देख के थोड़ा अच्छे समझ में आ जाता है। अब देखिए ये हो गया मीडिया तैयार। ठीक है, बहुत नॉर्मल तरीका था। अब देखिए मेरे पास अभी बड़ा पॉट नहीं है तो मैं इसका ही यूज़ करूँगा, ये साइज 8 इंच के करीब में है। ठीक है, अब ये देखिए मेरा पौधा है, और दोस्तों देखिए ये आपने शायद 1.5 महीने पहले राशिद भाई की वीडियो देखी होगी जो उनके चैनल पर हमारी आई थी। ठीक है, तो उसमें देखिए ये बहुत छोटा सा था। ठीक है, अब जाके 1.5 महीने बाद के करीब में इसने ये ग्रोथ लिए 2 जून। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि सब्र रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम हवा में ही पौधा जो वो ग्रोथ ले लेता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप जो यहाँ पर पौधा लगाने जा रहे होते हो, अगर लोग करते क्या कि यहीं पर पौधा मारते हैं ज़्यादातर जो। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एक बार पौधा चल गया तो उसकी बहुत संभावना होती है कि वो आगे तक आपको अच्छे से फ्लावरिंग वो देगा। अब दोस्तों आपको एक ब्लेड लेना है। ठीक है, अच्छा सा लीजिएगा, नया जो है, थोड़ा अपने हाथ का ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ी से लग जाता है ब्लेड। ये देखिए पहले आपको ऊपर कट नहीं करना, नहीं तो ये पन्नी मुड़ जाएगी। अगर आप दोनों हाथ से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये लगाया नीचे तक आपने कट। ठीक है, और ये देखिए ऊपर तक कट लगाया, एक कट आपने कर लिया दोस्तों, एक कट आपको इधर लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ही कट हो गया हमारा। अब आप 2 भी कर सकते हो 4 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक हाथ से ऑपरेट कर रहा हूँ इसलिए अभी जो है 4 कट लगा रहा हूँ ताकि ये आराम से वो हो जाए। और वैसे अगर आप 4 कट लगाओ तो रूट वॉल टूटने की दिक्कत नहीं रहती, मगर आपको 2 तो कट लगानी है पॉलीथीन में। ठीक है, एक इधर साइड को और एक इधर साइड को, तब ये पॉलीथीन अच्छे से बोती है। अब देखिए, ठीक है, ये बहुत मैं आपको सेफ और साधारण तरीका बता रहा हूँ जो है। ठीक है, जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ अपने पौधों में। अब देखिए ये निकल आया हमारा पौधा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम इसकी थोड़ी थोड़ी रूट्स हटा लेंगे। इसमें मैंने दोस्तों देखिए पानी दे दिया था क्योंकि इसकी मिट्टी आपको पता ही है। ठीक है, अभी जितने तक इसकी रूट्स देखिए इसमें नहीं है अभी, आप देखोगे तो। ठीक है, मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता हूँ, इसमें रूट्स नहीं होती ज़्यादातर, थोड़ी थोड़ी साइड की अगर आप हटाते हो सॉइल। ठीक है, थोड़ी आप हटा लोगे, नॉर्मली हाथ से हटा रहा हूँ मैं दोस्तों जो है। ये देखिए आप इस तरीके से जो है, ये देखिए। और दोस्तों ये हमारी तरफ मार्च का अब लास्ट चल रहा है जो है, आज 28 मार्च हो गई है हमारी तरफ जो है। ठीक है, और अब अच्छी खासी गर्मी भी पड़ रही है।
एक हाथ से दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग समझदार हो कि अब देखिए, ये देखिए इसके रूट्स आए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम थोड़ी थोड़ी सी सॉइल हटाएंगे, ज़्यादा नहीं इसको वो करेंगे, ठीक है, जहाँ तक कोई रूट डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सबको हटाना है, ठीक है। ये देखिए, अब इतना ये काम हो गया हमारा जो है, बस इतनी रूट्स काफ़ी थी इसकी, मिट्टी जो हमने हटा दी, थोड़ी सी इधर की भी हटा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ये एक निकाला जिसमें ये थोड़ी सी रूट आई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी जो, बस हो गया दोस्तों, ठीक है। आपको अगर बिल्कुल मतलब आपको अनुभव नहीं जा रहा तो आप बिल्कुल ही मत हटाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों मैंने ये छोटा पॉट लिया है, अभी मेरे पास था नहीं, 8 इंची का ही है लगभग, नहीं तो आपको कम से कम 10 से 12 इंची पॉट लेना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम कुछ भी इसमें नहीं डालते हैं, देखिए ये जो होल्स हैं, ठीक है, होल्स हैं बस। और ये हमने लिया और ये भर दिए दोस्तों, बहुत दोस्तों मैं देखिए सिंपल तरीके से लगाता हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो है, बहुत लोग अगर वो समझेंगे कि मैं बहुत हाईटेक तरीके से लगाता हूँ तो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, इससे आपको देखिए अच्छे से ठोक लेना है जो है, ठीक है। ये देखिए, अच्छे से आपने एक बार अगर दोस्तों ठोक लिया तो बस अब ये हो गया हमारा काम, यहाँ पर जो है अच्छे से आपको एक बार बस कर लेनी है मेहनत जो है। और देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं दिया इसमें मैंने जो है, ठीक है, बस आपके सामने ही मिला के जो है, ये देखिए। अब मैं इसका अपडेट भी आपसे शेयर करूँगा आगे जो है, कैसी इसने ग्रोथ ली कैसा नहीं। थोड़ा दोस्तों और गहरा लेंगे, क्योंकि ये देखिए पॉट छोटा है थोड़ा जो इसके लिए, वरना मैं बड़े में ही लगाता, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी जो रिपोर्टिंग की। ये देखिए अब ये इतना आ गया हमारा पौधा जो है, देखिए। अब दोस्तों ये रेड सॉइल ना हमने पानी दिया था इसलिए इतनी आसानी से वो हो गई रिमूव, वरना ये होती नहीं है ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी जड़ भी इसकी हिल रही है मगर कोई नहीं। ये देखिए, अब आपको देखिए अगर एक्सपीरियंस ना हो तो आप बिल्कुल रूट को मत छुइएगा जो है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आप सिंडर में लगा रहे होते तो फिर यहाँ पे जो है आप इसको बिल्कुल बेयर रूट करना पड़ता आपको, ठीक है। मैं अपने वाले मीडिया में लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सॉइली मीडिया में लगाओगे आप तो आपको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो दोस्तों नहीं करता हूँ, देखिए बहुत से लोग हो सकता है करते हूँ, लेकिन जो मैं इस चीज़ कर रहा हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए अब ये हो गया हमारा, अच्छे से दोस्तों इसमें आपको वो करना है जो है, ठीक है, ये अच्छे से सेट हो जाए। बहुत आसान तरीका होता है, और आजकल तो जो आप देख रहे हो कितना कठिन बना दिया गया है जो है। ये देखिए इस तरीके से आपको जो है आराम से इसको कर लेना थोड़ा सा, और आप इसको थोड़ा सा ढमक पाए ना इस तरीके से, ठीक है, तो भी जो बहुत सही रहेगा। लेकिन आपको एक हाथ से इसका ये पकड़ के फिर थोड़ा सा वो करना है, मैं अभी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से ही काम कर रहा हूँ, इसलिए जो दोस्तों इससे क्या अच्छे से इसमें जो होल्स होते हैं ना वो भर जाते हैं अच्छे करके जो है। अब दोस्तों इसमें मैं अभी पानी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ये देखिए कितनी गीली सॉइल है, तो इसलिए हम पानी नहीं देंगे, लेकिन इसको कल दोस्तों पानी दे देंगे जो है। अभी मैं आपको देखिए एक चीज़ और भी बताऊँगा जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा वो कर लूँ। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो है, ये देखो मैं बिल्कुल रूट वॉल पे नहीं दोस्तों मार रहा हूँ, बिल्कुल आप साइड में बिल्कुल कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको रूट वॉल पे नहीं मारना है। अब देखिए ये जो है पूरा आपको देखिए गमला ऊपर तक फुल नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए ये फाइनली हमारा प्लांट लग गया। अब देखिए लोग एक चीज़ में दिक्कत आ जाती है लोगों को, जो लोग रूट वॉल मतलब सहित लगाते हैं कि होगा क्या है, देखिए जैसे ये रेड सॉइल है, रेड सॉइल का एक नेचर होता है इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और आप पानी देते हो बहुत जल्दी गीली हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है,
अब देखिए जो इसका इतना एरिया ना, ये तो बहुत जल्दी सूख जाया करेगा एक दिन में ही, लेकिन ये जो साइड में अगर आपने पानी दिया तो इसमें नमी रहेगी कई कई दिनों तक, जो है 3-4 दिन तक नमी रह सकती है जो है, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा देख लेना मॉइस्चर है तो इसमें पानी नहीं देना है, और इसमें जो आपका छोटा सा कटोरी वगैरह हो कुछ भी या छोटा सा मग हो उससे बहुत थोड़े हिसाब से पानी देना है यहाँ पर जो है, ठीक है, ताकि यही गीला हो सके जो है, और जो है नहीं तो फिर आप क्या कर, अगर आप पूरे मतलब बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे ना तो ये मीडिया फिर बहुत ज़्यादा गीला होता रहेगा जो है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हिसाब से देना है पानी जो है, थोड़ा सा चेक करके जो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि इसमें रूट्स हैं आपकी जो हैं, इधर रूट्स अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इतना आसान तरीका है, और इस पौधे का मैं अपडेट भी आपसे शेयर करूँगा जो है, लेकिन अगर आपके पास 10 से 12 इंची का पॉट है तो आप उसमें लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है, जो मैं आपसे पर्सनली कहूँगा जो है, रिकमेंड करूँगा। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने मजबूरी में लगाया, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था जो है, ठीक है। और देखिए एक पौधा मैं आपको दिखा दूँ, जैसे दोस्तों देखिए ये पौधा हम लेकर आए थे तो इसको हमने ना रूट वॉल सहित लगा दिया था, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा कर इसके, ये देखिए आप, ये गोबरी खाद में लगाया हुआ है। तो इसमें दोस्तों यही थे कि इधर तो ज़्यादा नमी रहती थी, इसमें रूट्स थी तो ये जल्दी सूख जाता था जो, अभी भी हो जाता है ऐसा। तो इसको हमने थोड़ा सा चेक कर करके इसमें पानी हम देते रहे, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी चाहिए था इस वाले को, और इसको हमने हल्के हल्के पानी दिया, और ग्रोथ आप देख लो बहुत अच्छे से ग्रोथ ले गया ये, ठीक है, ये देखिए। तो जो है इस तरीके से दोस्तों आपको जो करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल जो है, ठीक है। और जो अगर आपको कोई भी फिर भी अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगा जो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने में कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके पास पौधा हो जाए अच्छे से जो है। और एक चीज़ दोस्तों आप अच्छे से समझ लो जो है, फिलहाल इस पर हम एक पूरी वीडियो भी बना देंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझ लो कि अब जब जैसे ये पौधा जब भर जाएगा ना, जब आप चेंज करोगे तो इस गमले से आप बड़े पॉट में ही लगाओगे, ठीक है। ये नहीं कि इसकी रूट काट के फिर इसी में लगा दिए तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पॉट साइज हो गया आपका, मीडिया हो गया, और वाटरिंग, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको खास ख्याल रखना है बिल्कुल जी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और भी दिखा दूँ, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये समर स्नो है ये प्लांट, तो दोस्तों ये समर स्नो नहीं है। समर स्नो होता तो शायद मैं इतना शेयर भी नहीं करता, क्योंकि समर स्नो पे इतने फ्लावर आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस पर आता ही बंच से है। लेकिन देखिए आज इसमें और फ्लावर्स भी खिले, पूरा पौधा भर गया है बिल्कुल जो है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उन्हें भी हो सकता है आपके जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पौधों का दोस्तों ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड्स।